आज मुझे बस वैसे ही ख्याल आ रहा है, उन दिनों का ख्याल आ रहा है जिन दिनों में हम इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने जाते थे। माशाल्लाह तबारकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल टू अल्लाह के घर वाले सपोर्ट करते थे कि अच्छा है पढ़े लिखें, अच्छी बात है पढ़ाई करें, अच्छी बात है। तो फिर मैं एक इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख कर फिर दूसरे इंस्टीट्यूट जाता था। अभी एक इंस्टीट्यूट में क्लासेस अटेंड करता था इंग्लिश की, दूसरे इंस्टीट्यूट में तो बड़ी बहुत ज़्यादा स्टडी हम लोग करते थे, किसी चीज़ का होश नहीं होता था, सिर्फ किताबों में ही हम होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम क्लास में जाते थे माशाल्लाह तबारकल्ला, तो मेरा माइंड इंग्लिश में बहुत बहुत अजीब तरीके से कोऑर्डिनेट करता था। टीचर्स को भी, कोई फीमेल टीचर्स थी कोई मेल, हमें होश नहीं होता था मेल है फीमेल है, हम सिर्फ पढ़ाई में थे बस। बहरहाल टीचर्स को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, उनको हम टीचर्स को ही समझाते थे कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये आंसर है, मल्टीपल चॉइस में ये आंसर है, तो ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये ऐसे होगा, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा, यानी कि आज मुझे बस वो यही याद आ रहा था कि मतलब वो दिन जब हम लोग इंग्लिश सीखने जाते थे, मगर मुझे किसी चीज़ का होश नहीं होता था, मैं सिर्फ इंग्लिश ही सीखने में बुक्स जी हाँ पार्क तो इधर भी है, सीधा है, सीधा जाओ। तो बहरहाल अब ये है कि मैं तो इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा स्टडी करता था, नॉवेल्स स्टोरीज एसेज डिक्शनरीज में वोकेबुलरी ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ के लिए। बहरहाल अब जिस तरह से एक इंसान को रिज़ल्ट आना चाहिए था वो, बहरहाल अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखें सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये होती है कि जब अच्छा एक्सप्लेन करने वाला, अच्छा गाइड करने वाला उस्ताद मिल जाता है तो वो बड़ी नेमत है, क्योंकि वो थोड़े से टाइम में, आधे घंटे में आपको सब कुछ सिखा देता है, आधे घंटे। और दूसरा ये कि जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आप रिसोर्स यूज़ करते हो, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, तो फिर आपका बहुत भला हो जाता है। मगर अगर आप जो पढ़ें उसमें ही मिस्टेक्स हैं, उसमें ही गलतियां हैं, तो फिर आप गलत सीखोगे। यानी कि हमारे उस्ताद भी कहते थे कि गलत सीखने से तो अच्छा है आदमी कुछ भी नहीं सीखे, ऐसे ही। तो बहरहाल हम लोग जो नोट्स रिसोर्स यूज़ करते थे उसमें बड़ी गलतियाँ होती थी, इसलिए हम गलत भी बहुत सारी चीज़ें सीखते थे।